हे फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा एसके ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम है पूजा और आज मैं फ्लावर की बहुत अमेजिंग डिज़ाइन आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। सो आई होप सो मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने स्क्वायर में कपड़ा कट कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने 3.25 इंच की रखी और चौड़ाई मैंने 3 इंच की रखी है। इसी तरह हमको ऐसे 6 स्क्वायर कट कर लेने हैं। आप पहले इसको स्क्वायर को लीजिए और इस तरह से डबल फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर ये स्क्वायर को हमने डबल किया है। अब इधर का इसका पहले सेंटर निकाल लेंगे हम लोग। ये देखिए, इस तरह से यहाँ से हल्का सा मार्क कर लीजिए पेन से सेंटर पे। अभी जो सेंटर निकाला वहीं से इसको इस तरह से राइट से एक बार फोल्ड कीजिए और एक बार लेफ्ट से फोल्ड करना है। एक बार सीधे हाथ की तरफ से ऐसे फोल्ड कर लीजिए और उसी के अपोजिट उल्टे हाथ से भी फोल्ड कर लीजिए। ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो ये जो भाग है इसको इस तरह से लाइटर से हल्का सा जला के वहीं दबा दीजिए ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और ये खुले ना। तो इसको इस तरह से दोनों साइड से सेम प्रोसेस करनी है। इसको इस तरह से ऐसे अच्छे से दबा के सेट कर दीजिए। अभी कुछ इस तरह से बन गया है। अभी ये जो भाग है इसको इस तरह से पकड़ के ऐसे ऊपर की साइड करना है और ये इसको भी इसी तरह से ऐसे मोड़ दीजिए ऊपर की साइड। ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसको भी हम थोड़ा सा लाइटर से हल्का सा इसको भी जला के वहीं पे दबा देंगे ताकि ये भी चिपक जाए। ऐसे ही हमको ऊपर का भी हिस्सा थोड़ा सा लाइटर से जला के से दबा देना है ताकि ये खुले ना। तो अभी ये जो भाग है इसको इस तरह से ऐसे मोड़ लीजिए। इस तरह से मोड़ने के बाद अभी जो बाकी का पार्ट है इसको भी हल्का सा लाइटर से जला लीजिए और वहीं पे दबा दीजिए इसको भी। इस तरह से दबाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी हमको इसी तरह से ऐसे हमको ये सारे बना लेने हैं। ये वाला भाग ऐसे मुड़ेगा। पहले हम ये ऐसे बनेगा। ये देखिए, इस तरह से दिखाई देगा ये बनने के बाद। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ऐसे ही सारे जितने भी है सारे ऐसे हम सारे बना लेंगे पहले, फिर उसके बाद में हम इसको सुई धागे से स्टिच करेंगे। तो आइए पहले सारे तैयार कर लेते हैं। इसको भी इसी तरह से पकड़िए, इसको हल्का सा जला लेंगे ऐसे। हल्का सा जला लीजिए, सेम प्रोसेस ऐसे करना है। इसको भी इस तरह से करके इस तरह से मोड़ लीजिए। अब ये वही एक पत्ती रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये एक पत्ती हमने इसे अटैच कर दी है। इसको इस तरह से अच्छे से अटैच करना है हमको। ये देखिए, ये एक पत्ती तैयार हो गई है। ऐसी हमको सारी पत्तियाँ तैयार कर लेनी है। सेम प्रोसेस, इसको भी इस तरह से पकड़िए और ये जो पीछे का भाग है इसको इस तरह से इसे मोड़ के और इसको स्टिच कर लेना है। ये देखिए, ऐसे स्टिच कर लीजिए। इसको भी इस तरह से स्टिच करके ऐसे इसको जब हम स्टिच करेंगे तो इसको हमको खींच खींच के लेना है। एक एक पत्ती को एकदम टाइट करते हुए लेना है, बराबर सेट करते हुए। ये देखिए, यहाँ पर ये सारी पत्ती हमने अटैच कर ली है। अब ये जो नॉट है इससे जो लास्ट की जो पत्ती है उसको भी इससे
अच्छे से इसको ऐसे बांध दीजिए। इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये देखिए ये फ्लावर तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर एक बटन स्टिच करेंगे, तो आइए बटन स्टिच करते हैं। अच्छे से इसको सेट करके अभी जो बाकी का पार्ट है इसको भी हल्का हल्का से ऐसे सिलाई कर लेंगे ताकि ये खुले ना। अब इसको कट कर लीजिए। तो ये देखिए ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। आई होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय।